आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान की रॉयल टीम हुई तैयार। आईपीएल 2025 में संजू करेंगे विरोधी टीमों पर करारा वार। नीलामी में राजस्थान ने चली एक चाल। चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर और मुंबई इंडियंस का कर दिया बंटाधार। आईपीएल 2025 के लिए कैसी है राजस्थान रॉयल्स की टीम? आईपीएल का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ। इस बार का ऑक्शन काफी मजेदार और दिलचस्प रहा। राइट टू मैच कार्ड के नए नियम ने नीलामी में रोमांच को कई गुना बढ़ा दिया। इस बीच राजस्थान के रजवाड़ों ने इस नीलामी में अपनी एक दमदार सेना तैयार कर ली है। ये एक ऐसी सेना है जो आईपीएल में किसी भी टीम की नाक में दम कर सकती है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जिसकी वजह से उनके पास राइट टू मैच कार्ड का ऑप्शन नहीं था। राजस्थान ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया था उनमें सबसे ऊपर नाम था संजू सैमसन का। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। इसके अलावा ध्रुव जुरेल और रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स ने 14-14 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। इसके अलावा शिमरन हेटमायर को 11 करोड़ रुपए में और संदीप शर्मा को 4 करोड़ रुपए में राजस्थान की टीम ने अपने साथ जोड़े रखा था। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में जाने से पहले राजस्थान की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। बस कमी थी तो जॉस बटलर की, जिन्हें नीलामी में लेने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बाजी गुजरात टाइटंस ने मार ली। भले ही राजस्थान की टीम और बटलर का नाता टूट गया हो, लेकिन आईपीएल के इस ऑक्शन में राजस्थान के रजवाड़ों ने अपनी एक चाल से चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीमों को बड़ा झटका दे दिया। राजस्थान रॉयल्स के पास अब एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद है। रॉयल्स ने आईपीएल के इस मेगा ऑक्शन में 40 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए और कई बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ लिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हुए हैं संजू सैमसन की सेना में शामिल। राजस्थान के रजवाड़ों ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करते हुए जोफ्रा आर्चर को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ लिया है। आपको बता दें कि जोफ्रा आर्चर पहले भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। इसके बाद वो मुंबई इंडियंस के लिए भी कुछ सीजन में खेले थे, लेकिन अब एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर की राजस्थान रॉयल्स के खेमे में वापसी हो गई है। इसके अलावा राजस्थान के रजवाड़ों ने तुषार देशपांडे को 6 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। आपको याद दिला दें कि तुषार देशपांडे इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे। जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे तो तेज गेंदबाज हैं। राजस्थान रॉयल्स ने तेज गेंदबाजों के साथ साथ अपनी स्पिन गेंदबाजी पर भी काफी ज्यादा जोर दिया और वानेंदु हसरंगा को 5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले महेश तीक्ष्णा को भी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। तो इस तरीके से चेन्नई के दो दो खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की टीम ने केकेआर को भी बड़ा झटका दिया जब उन्होंने नीतीश राणा को अपने खेमे में सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके अलावा फजल अक फारूकी को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले क्वेन मफाका को राजस्थान रॉयल्स ने 1.5 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही आकाश मधवाल को 1 करोड़ 20 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम के साथ जोड़ लिया। आपको याद दिला दें कि आकाश मधवाल भी पिछले कुछ सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ और सिर्फ 13 साल के हैं और ये आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी भी हैं। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुमार कार्तिके को 30 लाख, शुभम दुबे को 80 लाख, युद्धवीर चरक को अपनी टीम में 35 लाख, आशिक शर्मा को 30 लाख, कुणाल राठौर को 30 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया है। तो दोस्तों, ये है आईपीएल ऑक्शन के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो आपको कैसी लगी आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स की ये रजवाड़ा टीम? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए।